नमस्कार दोस्तों, एसएस लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ, जो शिक्षक नियुक्ति बहाली हो रही है उस संदर्भ में शिक्षा मंत्री जी का जो दो तरह का बयान आया है, दोनों ही कंट्रास्ट बयान है और दोनों बयान को लेकर के उनको ऑलरेडी ट्विटर से लेकर के फेसबुक तक ट्रोल किया गया। और मैं इसे साक्ष्य के रूप में आप लोगों के सामने, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक आपका जो 25 अगस्त को जो उनका बयान था कि शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जारी रहेगी, शिक्षा मंत्री का जो बयान था प्रमुखता से पेपर में इसे प्रकाशित किया गया था और इस न्यूज को सभी प्रमुख अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इस चीज़ को लिखा गया था। और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री जी ने अपने पेज पर, यानी कि जो उनका पेज है, फेसबुक पेज है, उस पेज पर भी उन्होंने 25 अगस्त को ये बात रखी थी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, और शिक्षकों की बहाली का जो प्रक्रिया है उसके संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दुर्भाग्य है कि एक तरफ बयान कुछ और आता है, फिर बयान कुछ और आता है। तो बयानों का सिर्फ यहाँ खेल चल रहा है, बहाली नाम का कोई चीज़ नहीं है। अभी तक आपने कितनी बहाली हुई है इसे अनजान आप लोग नहीं है, आप लोगों को अच्छा तरह से पता है कि कितनी बहाली हो रही है। उधर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जी का फिर एक नया बयान आया है कि 1.25 लाख के करीब फिर बहाली होने वाली है। तो बहुत सारे बात आ रहे हैं, प्रधानाध्यापक की बहाली की बात आ रही है, बात बहुत सारा है, लेकिन इसमें इसकी सत्यता कितनी है और कितनी इसमें सच्चाई है यह अभी किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी वजह से अब शिक्षा मंत्री जी को भी जो शिक्षक वर्ग हैं वो लोग ट्रोल करना शुरू कर दिए हैं। तो एक जो हाल फिलहाल में जो उनका बयान आया है, जो कि 15 अक्टूबर को बयान आया, और उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर ही इस बात को भी रखा है कि आयोग की अनुमति मिलने पर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यानी कि जो निर्वाचन आयोग है पंचायत चुनाव को देखते हुए उन्होंने ये बयान दिया, लेकिन पूर्व के बयान को जब आप देखेंगे तो उसमें क्लियर रूप से लिखा हुआ है कि पंचायत चुनाव के बाद मिलेगा शिक्षकों का नियुक्ति पत्र और शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जारी रहेगी और जो पंचायत चुनाव है उससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोनों बातें दो तरह की हैं, और ये बातें जब शिक्षकों के सामने आई और उन्होंने ट्विटर पर भी इस संदर्भ में बातों को रखा था, तो इसके संदर्भ में शिक्षकों ने उनके ट्विटर पर ट्रोल किया, जिस वजह से ट्विटर पर से उन्होंने अपना ट्वीट को भी मिटा लिया। हालांकि फेसबुक के पेज पर अभी भी ये ट्वीट है। और इस संदर्भ में जो विपक्षी पार्टी है, राजद प्रमुख पार्टी है, उनके जो पार्टी के प्रवक्ता है गगन जी ने, उन्होंने भी इसका खुल करके विरोध किया है कि सरकार बहाली नहीं करना चाहती बल्कि सिर्फ और सिर्फ दिखावा का कार्य कर रही है। तो कुल मिलाकर कहें तो इस तरीके के प्रक्रिया से शिक्षकों में एक निराशा है और उम्मीद उनको लग रहा है कि उनकी बहाली नहीं हो पाएगी या किसी न किसी कारण से फिर कोर्ट में मामला चला जाता है तो कुछ कारण से रुक जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी डर का भावना बैठा हुआ है। तो जो अभी ये जो सूचना आया कि आयोग की अनुमति मिलने पर प्रक्रिया पूरी होगी, तो इसके पीछे का भी एक राज है। क्योंकि अभी बिहार में 2 उपचुनाव होने वाले हैं, उस उपचुनाव को देखते हुए, यानी कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र और कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव हो रहा है, इसको देखते हुए कहीं इसका प्रभाव न पड़ जाए, इसलिए उन्होंने ये पासा फेंक दिया कि जो चुनाव आयोग है उनकी अनुमति मिलने के बाद ही बहाली की जाएगी। क्योंकि बहाली तो रुकी हुई है और बहाली रोकने का काम सरकार ने ही खुद किया है, कहीं से भी ऐसा कुछ मामला नहीं था। तो अपने हिसाब से सरकार ये तय कर लेती है कि हमें बहाली करनी है अथवा नहीं। तो इन्हीं सारी शब्दों के साथ, इन्हीं सारी बातों के साथ, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।